कि एक मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाला है और दरअसल ये मैनेजमेंट है नाहर स्पिनिंग का। इस कंपनी के नतीजे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की आय में करीब करीब 22% की गिरावट हुई है। मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत गिर के आए हैं, 25% से गिर के करीब 9.5% और मुनाफे में करीब 71% के आसपास की गिरावट कंपनी ने देखी है और इसका इम्पैक्ट आपने कंपनी के स्टॉक प्राइस पे भी देखा है। लेकिन इस कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए इस कंपनी के MD मिस्टर दिनेश ओसवाल जी हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। ओसवाल जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर एंड थैंक यू वेरी मच अपना टाइम निकालने के लिए। सर, मैं आपके कंपनी के नतीजे देख रहा था, साल दर साल नतीजों में काफी गिरावट देखने मिल रही है। क्या रेवेन्यूज, क्या मार्जिन्स, क्या मुनाफा, सर क्या कारण है इतने कमजोर नतीजों का? दो कारण है। एक तो आप देखेंगे कि हमारी सेल भी काफी कम हुई है, 200 करोड़ के करीब कम हुई है। ये बेसिकली सारी एक्सपोर्ट ही है हमारी, इस 231 करोड़ के करीब एक्सपोर्ट कम हुई है। और रॉ मटेरियल भी, जैसे कि ये सीजन का एंड था तो कुछ रॉ मटेरियल हमको करंट प्रिवेलिंग प्राइस पे तब लेना पड़ा जो कि 80 लाख रुपए के करीब था, और इसलिए ये डबल इम्पैक्ट एकदम पड़ा और हमारी सेल और बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों पे ही इसका इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन सर, अब मैं सुन रहा था, कई न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था कि जो एक्सपोर्ट्स है उसमें फिर से तेजी देखने मिल रही है। आपकी कंपनी के मेरे ख्याल से FY22 में कुल रेवेन्यूज में से एक्सपोर्ट से करीब 60% के आसपास आता था। अब सर, फिर क्या आपको एक्सपोर्ट्स ऑर्डर मिल रहे हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट्स को लेकर किस तरह का आप देख रहे हैं रुझान, क्या आगे और बढ़ेंगे? एक्सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। एक तो ये यूरोपियन वार के कारण यूरोप मार्केट बिल्कुल ही बैठ गई थी और पिछले 2-3 महीने एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कम थी क्योंकि रॉ मटेरियल के रेट भी काफी ज्यादा थे। अब एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि इस महीने से कुछ एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ी है और हमें लग रहा है कि एक्सपोर्ट कुछ बढ़ेगी इस महीने। ओके, तो इस महीने एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और सर, वैसे भी अब तो सीजन आ रहा है क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी हमने सुना है कि ज्यादातर जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ते हैं, तो ओवरऑल आप मुझे एक बात बताइए, एक तो घरेलू डिमांड और इन 3-4 महीनों में, क्योंकि खासकर हम सुनते हैं कि इन महीनों में एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ती है, तो वहां पे एक्सपोर्ट की डिमांड को लेकर आगे 3-4 महीनों का क्या आपका कहीं ना कहीं आकलन है? और हाँ, घरेलू डिमांड के बारे में भी बताइए सर। मेरे को लगता है कि जो वर्स्ट है वो अब काफी हद तक इस क्वार्टर में, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, इसमें आ जाएगा, क्योंकि अब लोगों के पास एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि लोगों के पास भी कुछ स्टॉक नहीं है और अब कॉटन के प्राइस और धागे के प्राइस इतने ज्यादा कम हो गए हैं, 100 से 150 रुपया किलो, कि अब इसमें डिमांड आनी शुरू होनी जरूर चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि सीजन का टाइम है, तो अब नवंबर, 15 नवंबर के ऑनवर्ड्स कॉटन की जब सप्लाई पूरी आएगी तो इट विल हेल्प द स्पिनिंग इंडस्ट्री। और बाकी एक्सपोर्ट में भी अब डिमांड, जैसे मैंने आपको कहा है कि फ्रेट भी कम हो गया है, और बस एक ही अब ये आज ही हुआ है जो ये डॉलर की वजह से डर लग रहा है कि डॉलर आज 81 रुपीज 70 पैसा हो गया है, जो कि एकदम थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अब ये ऑलरेडी कम्पिटिटिव टाइम में ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ओके, तो कम्पिटिटिव टाइम में थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि एक क्वार्टर और पेन देगा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि Q3 में और पेन देखने मिलेगा लेकिन Q4 में जो हालात है वो काफी सुधर जाएंगे, एम आई राइट? ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो ये Q3 है, ये हमारा Q2 भी सितंबर महीने से थोड़ा खराब हुआ और अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर अक्टूबर जो मेन कॉटन की सप्लाई है वो नवंबर में ही आनी चाहिए, और मॉनसून की जो देरी है उसकी वजह से कॉटन की क्रॉप लेट हो गई है, और पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर कॉटन जो कि शुरू हुई थी सितंबर में 6,400 रुपए मन, आज वापस 6,800 रुपए हो गया है, यानी कि पिछले 10 दिन में ये 12 से 14 रुपए किलो कॉटन के भाव बढ़ गए हैं, और धागे के भाव तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ते। और बस यही है कि अब जब ये ऑल इंडिया अराइवल जब 1.5-2 लाख के गांठ के करीब आएगी, तभी मेरे को लगता है कि कॉटन के भाव में कुछ सुधार होगा, और जो सुधार होना बहुत जरूरी है तभी स्पिनिंग मिलों का सर्वाइवल रहेगा। और ये अब अगले 15 दिन के अंदर मेरे को लगता है कि अराइवल बढ़ेगी। चलिए, तो ठीक है, अगले 15 दिन के अंदर कॉटन की अराइवल जो है वो बढ़ सकती है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर दाम कंट्रोल में रहे तो इसका फायदा जो है वो स्पिनिंग मिल्स को मिल सकता है, और इसके लिए सर कह रहे हैं कि ये क्वार्टर नहीं,
अगला क्वार्टर जो है वो कंपनी के लिए काफी बेहतर रह सकता है। शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने नतीजों पर बात करने के लिए।